हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन और ये घंटी का आइकन दबाएं। दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी स्मार्ट एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं और दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफी सारे स्मार्ट काम भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करना है, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये रही वो एप्लीकेशन, इसका नाम है स्मार्ट अनाउंसर। काफी अच्छी तरीके से आपके फोन में वर्क भी करती है। तो चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमें क्या सब सेटअप करना है। तो सिंपली दोस्तों मैं यहां से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से हमारे फोन में ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को इनेबल करना है, ये इस तरीके से डिसेबल होगा तो आपको यहां से इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे कॉल का है, SMS का है, ऐप का है, टाइम का है, बैटरी का है, डेटा का है और इसी प्रकार से कई सारे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहला ऑप्शन है वो कॉल सेटिंग्स का है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है जिसका नाम है कॉल अनाउंसर। तो ऑफ होगा दोस्तों ये कुछ इस तरीके से, तो यहां से इसे ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला फंक्शन भी ऑन करना है, अपने हिसाब से चूज करना है, जहां पर लिखा है रिपीट द नंबर नेम, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आप वंस करना चाहते हैं, टू करना चाहते हैं, थ्री करना चाहते हैं या फोर टाइम्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके फोन पे जब भी किसी का कॉल आएगा तो दोस्तों ये उसका नाम और नंबर आपको बोलकर बताएगा और आप कितनी बार ते हो वो नाम और नंबर बोल के बताएं। तो यहां से दोस्तों आप चूज कर सकते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर यहां पर रखना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी आपको यहां पर सेट करना है जिस पे लिखा हुआ है इनिशियल टाइम, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां से दोस्तों आपको चूज करना है नो डिले और यहां पर दोस्तों इसे कैंसिल कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है जहां पर लिखा है लोअर रिंगटोन, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है बैक और बैक जाने को दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा SMS सेटिंग्स का, तो चलिए दोस्तों इसकी भी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक करना है और आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे ऑन कर लीजिएगा, SMS अनाउंसर को ऑन कर लीजिएगा और यहां पर बाकी कोई भी ऑप्शन आपको ऑन या फिर ऑफ नहीं करना है और बैक चले जाना है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर आप टाइम की भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन ऑन करने हैं, वो आप देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन है टाइम अनाउंसर का, तो दोस्तों आप इसे ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये आपसे नीचे एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन टू अनाउंस, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप कितनी देर में अपने फोन में टाइम को अनाउंस करवाना चाहते हैं, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, 30 मिनट में या फिर 1 आवर में। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहां पर चूज कर लीजिएगा। मैंने यहां पर 10 मिनट चूज कर रखा है, तो आप 5 भी चूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप 15 भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए जाते हैं बैक। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से ये वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं जहां पर लिखा है अनाउंस इन कॉल, तो दोस्तों कॉल के दौरान भी अगर आप टाइम यहां पर सुनना चाहते हो तो दोस्तों आप इसे ऑन कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो दोस्तों आप इसे ऑफ रखिएगा। बाकी दोस्तों यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन को यहां पर छेड़ना नहीं है, बैक चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आप बैटरी सेटिंग्स में भी कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आप तीनों ही ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका फोन जब चार्ज में कनेक्ट होगा तो बताएगा कि आपका फोन चार्ज में कनेक्ट हो चुका है, आपका फोन चार्ज हुआ या फिर नहीं हुआ वो भी बताएगा आपको। और यहां पर दोस्तों आपके बैटरी लेवल जब घटता है ना दोस्तों, तो वहां पर उसे भी अनाउंस करता है, बोल के बताता है कि आपकी बैटरी इतने परसेंट हो चुकी है। तो यहां पर दोस्तों आप ये फंक्शन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपके काफी ज्यादा काम आएगी। उसके अलावा दोस्तों आप डेटा सेटिंग को भी यहां पर सेट कर सकते हैं। यहां पर आपके फोन में जब डेटा कनेक्ट होगा या फिर दोस्तों आप अपना डेटा जब ऑफ करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके फोन में डेटा कनेक्ट हो गया या फिर ऑफ हो गया। तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो दोस्तों जैसे आप लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां से दोस्तों आप इंग्लिश इंडिया चूज कर सकते हैं या फिर हिंदी इंडिया चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं जाता हूं बैक। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्लिक करना है सेलेक्ट थीम पे और यहां पर दोस्तों आपको कुछ थीम्स मिल जाते हैं, तो यहां पर अपने हिसाब से कोई भी थीम यहां पर चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं ये थीम चूज कर लेता हूं, उसके बाद ओके करते हैं और बैक चले जाते हैं। और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे फोन में थीम चेंज हो चुकी है और यहां पर दोस्तों ऊपर आपको यह बताता है कि आपके फोन में कितनी एप्लीकेशन है, बैटरी परसेंटेज वगैरह क्या है, एप्लीकेशन इनेबल्ड है या फिर डिसेबल है, वो सब बताता है। तो दोस्तों काफी कमाल की एप्लीकेशन है, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा, SMS आएगा या फिर दोस्तों टाइम घटेगा या बढ़ेगा तो ये आपको बता देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन काम की लगी हो तो आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ठोकना मत भूलिएगा। ठोको लाइक।
Yeah.